चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड इसका सेकंड टॉपिक है व्हाट लिविंग इज इसमें हमारे फाइव सब टॉपिक्स हैं व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक हैं हमारी हम उसकी ओर देखते हैं जैसे ग्रोथ रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट और एक सुटेबल रिस्पॉन्स जो हमारे दिमाग में आता है इन्वायरमेंट को सेंस करने से ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट सेल्फ ऑर्गेनाइज इंट्रैक्ट एंड इमरजेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूनिक फीचर्स हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ग्रोथ इरिवर्सिबल, परमानेंट इंडिविजुअल सेल के पार्ट्स और उसके ऑर्गन का साइज़ इंक्रीज होना है इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ट्विन करेक्टरिस्टिक है ग्रोथ की ग्रोथ रिजल्ट है मेटाबॉलिज्म का जब एनाबोलिज्म रिएक्शन ज़्यादा होती है कैटाबोलिज्म से तब ग्रोथ होती है और उसके उल्ट सिचुएशन में जब एनाबोलिज्म कम होती है कैटाबोलिज्म से तब डी ग्रोथ होती है और इसको हम नेगेटिव ग्रोथ भी बोलते हैं उसके बाद ग्रोथ जो है वो टू टाइप्स की है फर्स्ट इज इनडेफिनेट ग्रोथ एंड सेकेंड इज डेफिनेट ग्रोथ इनडेफिनेट ग्रोथ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं और प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से होती है और कंटिन्यूसली उनके लाइफ स्पैन तक होती रहती है और इनडेफिनेट ग्रोथ को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी बोलते हैं सेकेंड हमारे पास है डेफिनेट ग्रोथ एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टन एज तक ही देखी जा सकती है सेल डिविजन्स में कुछ टिश्यूज़ में लॉस्ट हुए सेल्स को चेंज करने के लिए होती है सेल डिविजन जो है वो कुछ टिश्यूज़ में लॉस्ट हुए सेल्स को चेंज करने के लिए होती है यूनि जिनको हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं वो सेल डिविजन्स के थ्रू ग्रो करते हैं और हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स की काउंटिंग को ईज़िली नंबर ऑफ़ सेल्स को ईजिली काउंट कर सकते हैं इसको विट्रो टेस्ट्यूब कल्चर में देख सकते हैं इन मेजोरिटी हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ कहा जाता है इसमें ग्रोथ जो है इनडेफिनेट अनलिमिटेड और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में होती है डेफिनेट लिमिटेड एंड इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो एनिमल्स में ह्यूमंस में होती है और इसके बाद बताया गया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी ग्रो करते हैं जैसे जो माउंटेन्स बाउल्डर्स और सैंड माउंट्स हैं वो भी ग्रो करती हैं इसमें जो बॉडी मास का इंक्रीज होना वो ग्रोथ है सो so, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है और उनमें जो ग्रोथ होती है वो सरफेस पे मटेरियल के कलेक्ट होने से होती है और इसको हम एकमलेशन ऑफ मटेरियल बोलते हैं और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ग्रोथ होती है उसको हम एक्सटर्नल ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें भी ग्रोथ होती है और वो इनसाइड होती है और उसको हम बोलते हैं इंट्रिस्टिक ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ और उसके बाद जो है ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ करते हैं और जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करैक्टरिस्टिक है क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं सो सेकेंड सब टॉपिक है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम का करैक्टरिस्टिक है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में होती है रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी की प्रोडक्शन होती है वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा और कम सिमिलर होती है और ये सेक्सुअल इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल वे से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फंजाई जो है इजीली मल्टीप्लाई होती है और स्प्रीड होती है ड्यू टू उसमें जो मिलियन ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं है, उसके थ्रू वो इजीली मल्टीप्लाई होती है और स्प्रीड होती है फंजाई उसके बाद हमारा इसमें थर्ड डायग्राम है जिसमें पॉलिनेशन पोलन फ्रॉम फ्लावर्स एंथर ड्रॉप्स टू स्टिक स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन और जर्मिनेशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें सीड्स की डिवेलपमेंट होती है और एक नया प्लांट बनता है और पॉलीनेशन क्या है जिसमें पोलन ग्रेन जो है पोलन ग्रेन जो एंथर में होते हैं वो स्टिक स्टिग्मा के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के साथ चिपक जाते हैं उसको पॉलीनेशन बोलते हैं उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन भी बताई गई है फर्टिलाइजेशन जो है वो पॉलीनेशन और जर्मिनेशन के बाद होती है इसमें मेल और फीमेल जो गेम्स है उनका फ्यूज़न होता है सो so, इसके बाद हमारा जो सेकेंड सब टॉपिक था रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के आगे टू सब टॉपिक्स हैं हमारे पास ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिपोडक्शन में गेमटिक फ्यूजन फर्टिलाइजेशन और म्यूसिस नहीं होती है ए सेक्सुअल रिपोडक्शन के और कई मेथड्स हैं जैसे बाय ए सेक्सुअल स्पोर्ट जो एल्गी और फंजाई में होती है उसके बाद जीस्ट और हाइड्रा में बडिंग बाय फर्मेंटेशन और ट्रू रीजनरेशन जो है फिलामेंटस एल्गी फंजाई और मॉस प्लांट के मॉस प्लांट्स के प्रोटेनेमा में होती है और जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी का जो लॉस्ट पार्ट है फिर से रीजेनरेट करता है और एक नया ऑर्गेनिजम्स बना बन जाता है जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास प्लेरिया जिसको हम फ्लैट वॉम भी बोलते हैं उसके बाद जो रीजनरेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें बॉडी के ओनली लॉस्ट हुए पार्ट को रिपेयर और रीजनरेट किया जाता है जैसे स्टारफिश लीज़र जो है वो अपने बॉडी के लॉस्ट हुए पार्ट को रिपेयर और रिगेन कर लेती है इसमें हमारा फोर्थ डायग्राम भी है जिसमें हाइड्रा में बडिंग बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही है जिसको बर्डिंग बोलते हैं जिसमें भी ऑल्सो बर्डिंग हो रही है ब्रेड जो जिसको हम माउल्ड बोलते हैं ब्रेड माउल्ड जो है रहाइजो है, पस जो फंजाई इसमें दिखाई दे रही है जिसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो जिसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं और लाइनर डंडी लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पोरंजियो फोर्स बोलते हैं उसके बाद सेकेंड जो दिया गया है इसमें सेकेंड सब टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो गेम्स बनते हैं म्योसिस के थ्रू और फर्टिलाइजेशन होती है प्रोजनी को प्रोड्यूस करने के लिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं और इसमें जो है जो ग्रोथ है वो इक्विवेलेंट है सेल नंबर सेल का नंबर इंक्रीज़ होना और उसका मास इंक्रीज होने के और हमने नोटिस किया है जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे म्यूल्स ट्रेराइल वर्क भी वर्कर बीस इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इसलिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिफाइनिंग करेक्ट्रिस्टिक नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन और, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी कैपेबल नहीं है अपने जैसे प्रोजनी पैदा करने में सो so, जो रिप्रोडक्शन वो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती है उसके बाद हमारा थर्ड सब टॉपिक है जिसमें हमारा फोर्थ डायग्राम है जिसमें बताया गया ऑर्गनली से सेल बनता है सेल से टिश्यूज टिश्यूज से ऑर्गन और ऑर्गन से एक प्लांट बनता है उसके बाद इसमें बताया गया है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बनते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम जो है वो एक सेल से बनते हैं जिन्हें यूनी सेलर ऑर्गेनिजम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे सेल से बनते हैं और उनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जैसे ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स बर्ड्स इंसेक्ट लाइक और यूनि सेलर जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टम एग्जिस्टेंस में कैपेबल होते हैं और अपनी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं यूनि लाइक बैक्टीरिया अमीबा पैरामीशियम यीस्ट एस्ट्रा कुछ भी सेल की कंप्लीट स्ट्रक्चर से कम नहीं है और ये जो है इन्श्योर इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं आ, इन, ये जो है इंडिपेंडेंट लिविंग को एन्श्योर नहीं करता है सो so, सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सो so, इस वे से जो सेलर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सो so, इसमें एक और डायग्राम भी था बैक्टीरिया जिसमें बताया गया प्रोटिस्टा फंजाई में क्या है प्लांट्स एनिमल्स ओके okay. फोर्थ सब टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है केमिकल से बने होते हैं और ये केमिकल स्मॉल बिग वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन एक्स्ट्रा से बिलोंग कर सकते हैं और भी कॉन्स्टेंटली लगातार जो है बनते रहते हैं और कुछ बायोमोलिक्यूल्स में चेंज हो रहे हैं सो so, ये जो कन्वर्शन है केमिकल रिएक्शंस और मैट इसको हम बोलते हैं जो ये कन्वर्शन है इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन थाउजेंड्स मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज चाहे वो मल्टी सेलर है चाहे वो जूनी सेलर है उनमें एक ही टाइम पे होती है सभी जो प्लांट्स एनिमल्स फंजाई और माइक्रोब्स में मेटाबोलिज़्म होती है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होती है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो मैट उनमें जो है मेटाबॉलिज्म नहीं होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बाहर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है एक टेस्ट ट्यूब में की जाती है ये ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है जबकि लिविंग भी इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के विट्रो में जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स नहीं है बट वो श्योरली लिविंग रिएक्शंस है सो दैट्स वाई मेटाबोलिज्म जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग बिंग्स की इसके बाद फिफ्थ सब टॉपिक हमारा है कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस चेतना शायद मे बी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्पष्ट और टेक्निकल कॉम्प्लेक्स फीचर ये है कि वो अपने सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट को फील कर है और इन्वायरमेंट स्टिमूलाई का रिस्पोंड देता है चाहे वो फिजिकल है केमिकल है या बायोलॉजिकल है और कुछ एग्जाम्पल जैसे वी सेंस आवर इन्वायरमेंट ट्रू सेंस ऑर्गन्स प्लांट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लाइट वाटर टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिजम्स प्लूटेंट्स का रिस्पोंड देते हैं और सभी ऑर्गनिज्म प्लोक्रॉट से लेकर सबसे कॉम्प्लेक्स यू यूक्रॉट्स तक इन्वायरमेंट क्यूज और को सेंस करते हैं और उसका रिस्पोंड दे सकते हैं फोटो पीरियड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में सीजनल ब्रीडर में रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी में एंटर होने वाले केमिकल्स को हैंडल कर सकते हैं सो कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट कॉमा में गया होता है उसको देखते हैं उसका जो हार्ट और लंग्स है वो मशीन्स के थ्रू रिप्लेस किया होता है वो पेशेंट अदरवाइज़ जो है ब्रेनली तौर पे डेड होता है और उस पेशेंट में कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है क्या वो पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है और वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है वो जो पेशेंट है वो अभी ज़िंदा है बट वो है उसमें कॉन्शियसनेस है बट उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है बिकॉज उसका जो ब्रेन है वो डेड है और वो कैपेबिलिटी जो है वो खो चुका है रिस्पॉन्स करने की सो so, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अवेयर है अपने सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स के प्रति और जब ह्यूमन बींग्स की बात आती है तो वो एक अकेला ऑर्गेनिज़म है जो अपने आप में अवेयर है अवेयर ऑफ हिम सेल्फ सो इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस सो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो टॉप मोस्ट और सुप्रीम लेवल है कॉन्शियसनेस का बिकॉज जो ह्यूमन बीग्स हैं उनके पास सबसे मोस्ट डिवेलप्ड जो ब्रेन है उनकी ब्रेन का लेवल जो है बहुत डिवेल्प uh, है और इसलिए उनका कॉन्शियस लेव कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बाक़ी जो लिविंग्स हैं उनसे ज़्यादा है इसलिए टॉप मोस्ट लेवल है कॉन्शियसनेस का जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बींग्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है